हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं फिर से आ चुकी हूँ न्यू रेसिपी के साथ। एंड मैं आज लेकर आई हूँ स्पेशल पास्ता का रेसिपी। एंड आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा जो सब्सक्राइबर है वो 100 से ऊपर हो चुके हैं। आप सबके सपोर्ट के थ्रू ही 100 हो पाए हैं और आई विश जल्द से जल्द 1000-10000 कर करके मेरा जो सब्सक्राइबर है बढ़ते ही जाए। तो आई होप आप सब मेरे को सपोर्ट करेंगे। सो चलते हैं, जो हमारा स्पेशल पास्ता है वो रेडी करते हैं। पास्ता रेडी करने के लिए हमको चाहिए 1 प्लेट मैक्रोनी, चॉप गार्लिक, चॉप अनियन, चॉप कैरेट्स, थोड़ा सा चॉप टोमेटोज और इसके साथ ही साथ बॉईल करके कटा हुआ पोटैटोज। तो सबसे पहले हम इस तरह का बर्तन लेंगे, इसके ऊपर पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हाई फ्लेम में इसको उमालना होगा। उमाल आने के बाद जो हमारा मैक्रोनी है अब हम उसको बॉईल करेंगे। ये देखिए सारे मैक्रोनी हम डाल दिए हैं और इसके साथ ही साथ 1 चम्मच जितना आपको ऑयल भी डालना होगा। इससे क्या होगा, जो मैक्रोनी है वो चिपकेगा नहीं। अब इसको धीरे से चलाएंगे। मैंने छोटा साइज का मैक्रोनी लिया हूँ, आप अपने हिसाब से, आपको जिस तरह का मैक्रोनी पसंद है उस हिसाब से ले सकते हो। 5 मिनट तक ऐसे ही चलाते चलाते बॉईल करना होगा। देखिए अभी हमारा जो मैक्रोनी है लगभग पक चुका है। ये देखिए अब जो हमारा फ्लेम है वो ऑफ करेंगे और इसको हम अब छान लेंगे। तो मैंने ऐसे बर्तन लेके इसको छान लिया हूँ। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक वो ठंडा होता रहेगा तब तक अब हम इसका ग्रेवी रेडी करेंगे। ग्रेवी रेडी करने के लिए इस तरह का एक बर्तन लिया हूँ। बर्तन गर्म होने के बाद 3 चम्मच जितना ऑयल डालना है। ऑयल भी गर्म होने के बाद जो चॉप गार्लिक है उसको हम हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जो गैस का फ्लो है उसको मीडियम ही रखिएगा और हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो देखिए अभी ये भी हो चुका है। फिर उसके बाद इसी पे जो चॉप अनियन है उसको भी अब हम फ्राई करेंगे। अनियन को भी हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक ही फ्राई करनी है। तो अच्छे से चलाते ही वो फ्राई करिएगा। तो देखिए अभी हमारा जो अनियन है वो भी फ्राई हो चुके हैं। इसके बाद जो कटिंग करके रखा हुआ कैरेट्स है अब हम वो भी डाल देंगे। इसको ज़्यादा नहीं, 1 मिनट तक ही फ्राई करना है। फिर उसके बाद जो कटिंग करके रखा हुआ पोटैटोज है उसको भी फ्राई करेंगे। इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ये ऑलरेडी पका हुआ है, तो ज़्यादा फ्राई करना नहीं पड़ेगा। बस 1 मिनट तक ही इसको फ्राई करिएगा। तो अच्छे से चलाते चलाते फ्राई करना है। देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर 1 चम्मच जितना टर्मरिक पाउडर डालेंगे। इसको भी हल्का सा चला लेनी है, ज़्यादा नहीं क्योंकि ये जल्दी पक जाती है ना। उसके बाद फिर जो कटिंग करके रखा हुआ टोमेटोज है उसको अब हम फ्राई करेंगे। अच्छे से मिला के फ्राई करना है। देखिए इस तरह से अभी जो हमारा टोमेटोज है वो भी अच्छे से पक चुका है। फिर उसके बाद उसके ऊपर स्वाद अनुसार नमक और स्वाद अनुसार गर्म मसाला, जो हमारा मसाला है वो ऑलरेडी घर में बना हुआ है। फिर उसके बाद जो थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और इसको हम अच्छे से चलाएंगे। ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट तक ही पकाएंगे क्योंकि मसाला जल्दी पक जाते हैं ना। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा जो ब्लैक पेपर है वो भी डाल दिया हूँ, वो ऑप्शनल में है। फिर उसके बाद हम ये पकने के बाद अब हम हल्का सा पानी डाल देंगे। हल्का सा पानी डालने के बाद इसको उमाल आने देंगे क्योंकि जो मसाला और जो टोमेटोज है वो भी अच्छे से पक जाएगा। तो देखिए मजे से उमाल आ गई है, हमारा ग्रेवी अच्छे से बन रही है। देखिए कितने मजे के देख रहे हैं ना। ग्रेवी रेडी होने के बाद जो हमारा मैक्रोनी है अब हम सारे को इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छे से चलाएंगे।
अच्छे से चलाकर मजे से फ्राई करनी है एक दो मिनट तक। फिर उसके बाद जो हमारा मैक्रोनी है वो रेडी हो जाएगा। सो हमारा जो मैक्रोनी है वो रेडी हो गई है और इस तरह से मैंने प्लेटिंग कर लिया हूँ। मेरा ये आज का रेसिपी आप सबको कैसा लगा, लाइक्स और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। अभी के लिए विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।